मैं अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में रही हूँ। जो भी व्यक्ति दिल्ली में पिछले 20-25 साल से रहा है, उसने दिल्ली में दो चीजें देखी हैं। नंबर वन, लंबे लंबे पावर कट, और नंबर दो, महंगे महंगे बिजली के बिल। जब अरविंद केजरीवाल ने 2013 में वादा किया कि मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, सबसे सस्ती बिजली दूंगा, तो किसी को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि दिल्ली वालों ने ना 24 घंटे बिजली देखी थी ना सस्ती बिजली देखी थी। पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बिजली व्यवस्था में चमत्कार करके दिखाया है। पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की व्यवस्था को काया पलट करके दिखाया है। आज जिस दिल्ली में घंटों घंटों के पावर कट होते थे, आज उस दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। आज दिल्ली में इन्वर्टर बैटरी बिकना बंद हो गई है। आज दिल्ली में लाखों परिवारों को जीरो बिजली का बिल आता है। ये चमत्कार अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये चमत्कार ना सिर्फ दिल्ली में, अब पंजाब में भी शुरू हो गया है, जहां पे फरवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 1 जुलाई से पंजाब की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा करी, और 1 सितंबर से लोगों के घर में पंजाब में जीरो बिजली का बिल आना शुरू हो गया। आज के दिन में दिल्ली में 30 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आता है। आज के दिन पंजाब में 1 सितंबर को जो बिल आए हैं, पंजाब में 50 लाख परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। ये है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, ईमानदारी की राजनीति का चमत्कार। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप देश भर के बिजली के दाम उठा के देखिए, तो जिन 3 राज्यों में बिजली सबसे महंगी है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज देश के लोग देख रहे हैं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, वहां पर जीरो बिजली का बिल आता है, वहां पर आम लोगों को, लाखों लोगों को फ्री बिजली मिलती है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां में देश की सबसे महंगी बिजली आम लोगों को मिलती है। तो आज देश भर में लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री बिजली दे सकते हैं, अगर भगवंत मान पंजाब में फ्री बिजली दे सकते हैं, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? और आज जब गुजरात का चुनाव होने वाला है, तो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि हमें फ्री बिजली देने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसके राज में सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, आटे चावल का दाम महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है, दवा महंगी हो रही है, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, बच्चों को फ्री इलाज दे, बच्चों को फ्री शिक्षा देती है, हर व्यक्ति को फ्री इलाज देती है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देती है। आज लोगों को भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में जो अंतर है, वो साफ नजर आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों की फ्री बिजली खत्म करने की कोशिश कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के पास एक एलजी साहब है, भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपनी हर एजेंसी को लगा दे कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा मिल रही है, किसी तरीके से खत्म हो जाए। आज एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए। मैं माननीय एलजी महोदय को कहना चाहती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आपने किसी एजेंसी से भी जांच करवानी है करवा लो, आप सीबीआई से जांच करवानी है, ईडी से, दिल्ली पुलिस से, एंटी करप्शन ब्रांच से, इनकम टैक्स से, आपने किसी से भी जांच करवानी है करवा लो। पिछले 7 साल में 180 केस करने के बावजूद अब आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ पाए हो, और ना ही आप एक पैसे का भ्रष्टाचार ढूंढ पाओगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। हमने दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली का वादा किया है, और हम दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली देकर रहेंगे। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप दिल्ली वालों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। आप जितनी कोशिश कर लीजिए, आप पंजाब के 50 लाख परिवारों की फ्री बिजली नहीं रोक सकते। और आप आम आदमी पार्टी पे जितने केस करोगे, आप आम आदमी पार्टी पे जितना सीबीआई और ईडी छोड़ोगे, तो गुजरात की जनता भी ये देख रही है कि आप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से कितना डर रहे हो। और इसका नतीजा ये होगा कि गुजरात के लोगों को भी जल्द फ्री बिजली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के सौजन्य से मिलने वाली है। धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपनी राय रखेगी। आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि जो जनता का पैसा है वो जनता पे खर्च होना चाहिए। जनता टैक्स क्यों देती है? जनता इसलिए टैक्स देती है कि सरकार उनको सहूलियतें दे सके। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि नेता अपनी जेब भर सकें, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए स्विस बैंकों में पैसा इकट्ठा कर सकें, जिस तरह ये पार्टियां आज तक करती आईं। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि लोग अपने परिवार वालों की जेब में पैसा भर सकें। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती है कि पार्टियां अपनी दोस्तों की जेब में पैसा भर सकें, अपने दोस्तों को दुनिया में नंबर वन अमीर बना दें। जनता इसलिए टैक्स नहीं देती। जनता इसलिए टैक्स देती है कि उनको और उनकी जिंदगी में जो सहूलियतें हैं वो सरकार दे सके, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, और वो सब देना सरकारों की मूल जिम्मेदारी। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहूंगी कि संबित पात्रा जी टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं क्या? संबित पात्रा जी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। तो पहले आप संबित पात्रा जी की डिग्री और क्वालिफिकेशंस हमें दिखा दीजिए, फिर जो जो डायरेक्टर्स हमने नियुक्त किए हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ से डिग्रियाँ की हैं, देश विदेश में कहाँ पे नौकरियाँ की हैं, उन्हें किस किस फील्ड में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है, वो भी हम आपको दिखाएंगे।